हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में सभी लोग व्यस्त होंगे दोस्तों। तो हमारे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग आप लोगों को। तो हमारा तीज फाइनली हो गया है दोस्तों, और आज तीज का पारन है। और जो कि मैंने कल शाम को पूजा का वीडियो नहीं डाल पाए दोस्तों, और थोड़ी बहुत ही शूट हो पाया, थोड़ी बहुत ही बिल्कुल, जो कि मैं इसमें जोड़ दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए क्योंकि पूजा पे मेरे हस्बैंड जी भी बैठे हुए थे, आज जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो कि मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं है वीडियो में, और मैं खुद अकेले वीडियो बनाती हूँ, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है। और तो ये सब तो मैं पीछे वीडियो में बता ही रखी हूँ दोस्तों। तो और आगे आगे चलिए, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और देखते हैं। और वैसे देखा जाए तो अभी सारा काम मैं कर ली हूँ जल्दी उठ के दोस्तों, इसलिए क्योंकि आज पारन था दोस्तों, तो पूरी रात तो नींद नहीं आई है, प्यास लग रखी थी बहुत ज़्यादा, और कुछ भी नहीं था, प्यास लग रखी थी सिर्फ, और कुछ नहीं था दोस्तों। इस वजह से पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ दोस्तों। और सुबह हम 5 बजे उठ गए थे, मेरे हस्बैंड जी उठा दिए थे और वो भी हेल्प किए, मैं जब तक नहाई हूँ उन्होंने चाय बनाए थे, फिर मुझे चाय दिए हैं। उसके बाद जो है ना, लगभग 75% खाना उन्होंने ही बनाया है आज। और क्योंकि मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, अंदर से मैं चल नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा कमजोरी हो गई थी। 24 घंटा निर्जला व्रत बिना पानी का करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा नहा वहा के आए उसने हैं, इसलिए थोड़ा ठीक लग रहा है, और आँख वगैरह थोड़ा सा देख रहे हैं ऐसे हो गया है, तो दिख जाता है अगर वॉश करते हैं तो दोस्तों। तो बाकी काम वगैरह हो गया है, और जो भी कपड़े लगे वगैरह जो थे सबको धो चुकी हूँ अच्छे तरीके से। और कल का देख सकते हैं चूड़ा है दोस्तों, जो कि मैं अभी नहीं उतारी हूँ, दोनों हाथ में ही ऐसे है अभी, तो अभी नहीं उतारी हूँ, अभी उतार लूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि पहले थोड़ा खा लेते हैं। सुबह उठ के सिर्फ चाय लिए थे और एक केला खाए थे, जो कि और अब खाना खाने जा रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए। और देख सकते हैं इधर गैलरी की तरफ आई हूँ दोस्तों, ये देखिए, कर देगा बढ़िया से। अभी मैं ये इसको जलाती हूँ, ठीक है बेटा, इधर ये देखो, फ्रिज में रखा था क्या? रखा था, ठीक है ले। जला नहीं, नहीं जल रहा है वो, रुक गंगा जल धो, हाथ में फूल ले लूँगा, अब सोचे फूल ला लूँगी, गंगा जल धो दो, इसमें ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इतने सारे कपड़े भी धोए हूँ बच्चों और हस्बैंड जी के, देख सकते हैं, और इधर भी धो रखे हैं। और जो कि ये साड़ी है, जो कि मैं कल तीज में डाल रखी थी, वो आप लोग देखे ही होंगे, ये कलर जो कि तीज वाला दिन मैंने कल वीडियो डाली थी उसमें आपको दिखा होगा, ये डाली थी। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरी साड़ी जो कि मैं धो के और अपने ग्रिल पर सुखा रखी हूँ, और इस कपड़े को भी है थोड़ा सा, तो अब सुखा देंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों। इधर देखिए, ये हमारा किचन जो देख सकते हैं, और मैं बिल्कुल फिनिशिंग कर चुकी हूँ अच्छे तरीके से दोस्तों, बिल्कुल ही। और बस इधर बच्चे जो खाए थे प्लेट पर है, और कुछ भी नहीं दोस्तों, देख सकते हैं अच्छे से। तो ये आ गए हम अपने किचन में, और जो कि ये हमारा किचन है प्यारा सा, देख सकते हैं। और चूड़ा देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हाथों में दोस्तों, देख सकते हैं ये,
तो आइए फिर थोड़ा खाना निकालते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, क्योंकि अचानक से फिर खाना भी नहीं खाया जाता है दोस्तों। थोड़ा सा पानी पी लिए, चाय पी लिए थे, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो भी जल्दी जल्दी काम खत्म कर लिए थे, और फिर देखते हैं अभी खाना निकालते हैं। तो ये हमारा खाना बन चुका है, देख सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं बना था, थोड़े बहुत बना था, जो भी मेरे हस्बैंड जी से हुआ उन्होंने बनाए थे, थोड़ी बहुत मैं हेल्प करी थी। और इधर देख सकते हैं देसी चावल है बन रखे हैं दोस्तों, गांव की स्वादिष्ट, जैसे गांव जैसे। और इधर दाल, और इधर हमने आलू और भुजिया, आलू और परवल के भुजिया बनाए थे दोस्तों, जो कि देख सकते हैं दाल चावल आलू परवल के भुजिया बनाए हैं, बिल्कुल गाँव की तरह एकदम देसी, देख सकते हैं। आइए हम निकालते हैं एक बार खाना। तो दोस्तों हमने निकालते हैं हम अपना थाली, और फिर हम इसमें आराम से दाल चावल और भुजिया निकाल लेंगे जी। दोस्तों क्योंकि दिल्ली वाले को ज्यादा हमारे गांव के भोजन पसंद नहीं होते हैं दोस्तों, तो इस हम तो गांव की तरह ही बनाते हैं। वैसे हम दिल्ली में रहते हैं दोस्तों, पर गांव की तरह बनाते हैं हम खाना, बिल्कुल स्वादिष्ट एकदम बिल्कुल। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों, और मुझे आप लोगों के प्यार और साथ की बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, और क्योंकि अकेले वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, तो इसलिए। और देखिए दोस्तों हम चावल निकाल लिए, दाल भुजिया सब निकाल रहे, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हम निकाल रहे हैं दाल, और जो कि हमारा दाल निकल गया है अच्छे तरीके से। फाइनली दोस्तों हमारा खाना निकल गया है, ये देख सकते हैं चावल दाल एंड चावल दाल एंड आलू परवल की भुजिया, जो कि मैंने चावल निकाली हूँ, इसमें मेरा बेटा भी खा लेगा, और उस सुबह से अभी खाया नहीं है, तो मेरे साथ ही खा लेगा दोस्तों। तो चलिए फिर आप लोग हमारे साथ रही, और हम चलते हैं अपने खाना को लेके दोस्तों। और आप लोगों को भी खाना है तो प्लीज आ जाइए हमारे घर देसी दाल चावल खाने दोस्तों। तो ऊपर गर्मी है थोड़ा सा, देख सकते हैं बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इस खाना को लेकर जो है ना हम नीचे ही चलते हैं अपने ग्राउंड में बैठ के, आराम से ग्राउंड फ्लोर में आराम से बैठ के खाएंगे, देख सकते हैं। और हम नीचे जा रहे हैं अपने खाना को लेकर दोस्तों, और लेट भी हो गया है 24 घंटा से उपवास करना। तो ये देखिए दोस्तों हम आ गए हैं अपने नीचे, ये देखिए, और फिलहाल में खाना को रखते हैं यहाँ पे, बल्ब वगैरह जलाते हैं दोस्तों, पंखा चलाते हैं एक बार, बल्ब जला दिए दोस्तों, ये यहाँ पे आराम से बैठ के खा लेंगे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों मेन गेट खुला है, जो कि मैं बंद कर देती हूँ इसको, कोई आ जाएगा तो इसीलिए, ये देखिए। और दोस्तों ये हम बैठ जाते हैं यहाँ पे पलट मार के, और देखिए इधर हमारा खाना, और ये हमारा पानी, ये देखिए दोस्तों ये हमारा खाना और पानी। तो हम बैठ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए दोस्तों, देख सकते खा लेते हैं, 24 घंटा का भूखे थे, तो बस अब लगता है जो खा के और पानी पी लें, और थोड़ी सी बस रेस्ट हो जाए बिस्तर पे, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं दोस्तों। तो चलिए अगर ये छोटी सी वीडियो हमारे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करिएगा आप लोग दोस्तों। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए दोस्तों, और ये हमारे ब्लॉग कैसे लगेंगे तो प्लीज़ आप लोग एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और तीज व्रत का आज पारण है, तो हम अभी शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से।